हे गर्ल्स, क्या आप भी अपने बाल बिल्कुल ऐसे चाहती हैं, सिल्की शाइनी स्मूथ, मगर आपके बालों में स्प्लिटर्स पड़ चुके हैं, आपके बाल बिल्कुल फट चुके हैं और आपके बालों में कंघा भी नहीं होता है। आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके जो बाल हैं ना बिल्कुल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। ये दो रेमेडीज़ हैं, एक आपके बालों की शाइन के लिए, दूसरा आपके बाल को रीग्रो करने के लिए। इंशाल्लाह ताला दोनों आपको बहुत पसंद आएंगी। चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ एलिज़े। सबसे पहले इस रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक अदद बाउल, फिर आपने इसमें ऐड करना है जी वैसलीन। सर्दियां चल रही हैं, मुझे यकीन है हर घर में मौजूद होगी। आपने आधा चम्मच इसमें वैसलीन का ऐड कर देना, यानी कि पेट्रोलियम जेली आपने इसमें आधा चम्मच ऐड कर देना। ज़्यादा प्लीज़ ऐड नहीं कीजिएगा, जितना मैं दिखा रही हूँ उतना ही ऐड करना है आपने। वैसलीन आपके बालों को शाइन देने का काम करेगी और आपके बालों में मॉइस्चर लो। अच्छा, तो हमारे सेकंड इंग्रीडियंट की तरफ चलते हैं। आपने इसमें ऐड करना है एक चम्मच भर के एलोवेरा जेल का। मैंने बाजार वाली यूज़ की, अगर आपके पास नेचुरल है तो वेल एंड गुड है। आपने प्लांट से एक पत्ता काटना है, उससे आपने सारा जेल निकाल लेना। आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। अगर आपने बाजार वाली यूज़ करनी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने स्पीड तेज़ कर दी है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी एक चम्मच भर के ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। आपने इसमें आधा चम्मच वो भी ऐड कर देनी है। फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए नहीं है, आपके बालों की शाइन के लिए है। ग्रोथ की रेमेडी मैंने आगे चल के बताई है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। प्लीज़ मिक्सिंग में अच्छा टाइम दीजिएगा। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। उसके बाद आपने जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ना, आपने इसमें एक चम्मच भर के ऑलिव ऑयल ऐड कर देना, यानी कि जैतून का तेल। अगर आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बालों को सूट करता है, सरसों का जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं आपने वो इसमें ऐड कर देना है, जो भी आपके बालों के लिए सूटेबल है। उसके बाद आपने इसमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है। ये रेमेडी आपने सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा यूज़ करनी है, आपने ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना है। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने इसके एप्लीकेशन का तरीका अच्छी तरीके से देख लेना है, आपने गलत तरीके से इसे अप्लाई नहीं करना है। देखेंगे कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। आपने इसकी थोड़ी सी मिकदार लेनी है, थोड़ा सा अमाउंट आपने लेना है और इसे अपने बालों में आपने लगा लेना है। कैसे लगाना है मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपने इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, आपने अपने रूट्स में इसे नहीं लगाना है। रूट्स से एक इंच छोड़ के आपने अपने बालों में लगाना है एंड्स तक। फिर आपने अपने बालों का कोई बन बना लेना है। इसे 2 घंटे के लिए आपने लगा रहने देना है। फिर आपने किसी भी अच्छे शैम्पू की मदद से इसे वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। चलें जी सेकेंड रेमेडी की तरफ चलते हैं, वो है जी हमारे हेयर फॉल के लिए। बाल टूटना तो कॉमन बात है, लेकिन बाल टूटने के बाद रीग्रो ना होना ये हेयर फॉल की निशानी है। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आपके जो बाल है ना दोबारा से रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी मिकदार में आपने पानी ऐड कर देना है। फिर आपने इसमें ऐड करना है जी 2 चम्मच भर के शुगर, यानी कि चीनी। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने कैस्टर शुगर ली हुई है, यानी कि पिसी हुई चीनी। आपने 2 चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। फिर आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आपने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारे पास फाइन सा शुगर सिरप बन नहीं जाता। चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना आपस में हल हो जाने चाहिए। मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी। देखें बिल्कुल फाइन सा शुगर सिरप बनकर आ चुका है। उसके बाद जो हमारा अगला इन्ग्रीडियंट है ना, आपने इसमें 1 चम्मच भर के जैतून का तेल यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, वही वाली बात जो आपके बालों को सूट करता है वो वाला तेल आपने इसमें ऐड कर देना। सरसों का तेल, खोपरे का तेल, ज़्यादातर लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं और कुछ कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें इसे ऐड कर देना है। फिर आपने जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ना बहुत ही ज़्यादा मेन है, सॉरी मैं इसे शूट करना भूल गई थी। आपने इसमें 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैं शूट करना भूल गई थी, आपने इसमें 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल ऐड करना ज़रूरी है। फिर आपने हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है ना वो है जी कैस्टर ऑयल। यह आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, कैस्टर ऑयल है। आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भर के। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। इसे आपने अपने रूट से लेकर एंड तक लगाना है। इसे आपने पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगा देना है। आपने मिक्सिंग इसे अच्छी तरीके से करनी है, फिर आपने पूरे बालों में आपने लगा लेना है। फिर आपने एक बन बना लेना है।
उसके बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे लगा रहने देना है। फिर आपने अपने किसी भी अच्छे शैम्पू की मदद से अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलने वाला है। नेचुरल इंग्रीडियंट से बना है, बिल्कुल भी आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह और अपना ख्याल रखिएगा।